Suppose one wishes to construct a 1 farad capacitor using circular discs. If the separation between the discs be kept at 1 mm, what would be the radius of the discs? स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पर्सन एक 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना चाहता है, मतलब एक ऐसा कैपेसिटर बनाना चाहता है जिसका कैपेसिटी 1 फैराड हो, मतलब C का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 फैराड, यूजिंग टू सर्कुलर डिस्क, दो सर्कुलर डिस्क का यूज करके जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है और दोनों के बीच का सेपरेशन वो रखता है 1 mm, तो इसका रेडियस का कितना वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि वो फाइनली एक 1 फैराड का कैपेसिटर बना सके। कैसे सोचेंगे स्टूडेंट, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं भाई, यहां पे दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू निकालना है, एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो कैपेसिटी का फार्मूला होता है सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो वहां पे आप ध्यान देंगे डी पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, मतलब सारा पता होगा वहां से, बहुत आसानी से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब हमारे पास ये फार्मूला है C equals to epsilon not A by D और यहां से आप लिख सकते हैं C equals to, यहां पे ध्यान दीजिए epsilon not A को लिखेंगे इसका एरिया हो जाएगा pi R square divided by D और यहां से इसलिए R square कितना हो जाएगा C D divided by epsilon not pi। चलिए सब का वैल्यू पुट कर देते हैं, C का वैल्यू है 1 farad, D सेपरेशन कितना है दोनों के बीच का 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 पाई, दिस इज 3.14 और स्टूडेंट अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू एप्रोक्सीमेटली आपको आएगा 36 इनटू 10 टू द पावर 6, r स्क्वायर का इतना वैल्यू है इसलिए r का जो रेडियस का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट करेंगे बहुत आसानी से इसका वैल्यू निकलेगा एंड दिस विल बी 6 into 10 टू द पावर 3 मीटर, मतलब दिस इज 6000 मीटर मींस दिस इज योर फाइनल आंसर 6 किलोमीटर। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, आप समझ सकते हैं कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना चाहता है तो उसके लिए और अगर वो सर्कुलर डिस्क यूज कर रहा है तो 6 किलोमीटर रेडियस का सर्कुलर डिस्क यूज करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा है 6 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, तो उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि 6 किलोमीटर का रेडियस का सर्कुलर डिस्क हम बनाएं, कहने का मतलब है कि 1 फैराड जो होता है बहुत ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर हो गया और यही कारण है कि नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी या आप बुक्स वगैरह में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा जो कैपेसिटी हम लोग लेते हैं नॉर्मली उसका वैल्यू माइक्रो फैराड पिको फैराड नैनो फैराड वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, कम रेंज के कैपेसिटर का कैपेसिटी का कैपेसिटर ही हम लोग यूज करते हैं, यही कारण है आप यहां से फिल कर सकते हैं।